हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। आज का वीडियो है रिलेटेड टू टाइम कॉन्सेप्ट, जो जनरली बच्चे को यूकेजी से स्टार्ट किया जाता है। यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड तक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। पहले आवर्स सिखाते हैं, फिर मिनट्स को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, फिर सेकेंड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को बच्चे को समझा सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। हम बच्चों को टाइम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और रियल क्लॉक के थ्रू नहीं बताएंगे तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो एक आप क्लॉक ले लीजिए, उसमें बच्चे को कुछ पॉइंट्स बताइए। जैसे कि क्लॉक में हमेशा 1 to 12 नंबर्स देखते हैं। एक होता है शॉर्ट हैंड और दूसरा होता है लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड को आर हैंड कहते हैं और लॉन्ग हैंड को मिनट हैंड कहते हैं। कंपैरिजन आप करके बता सकती हैं कि ये छोटा है जो कि शॉर्ट है और ये थोड़ा सा बड़ा है, ये मिनट है। सो ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है। इस पे अभी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, आर हैंड एंड मिनट हैंड इसी पे हम अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस वाले वीडियो में ये पार्ट वन है, यहाँ पे हम बच्चे को कैसे आर को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे कि 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। ये जो आर हैंड होता है जब वो पॉइंट करता है 1, 2, 3, 4, 5 को, तो कैसे बोलना है कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम देखेंगे पार्ट टू में, जो कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मिनट्स को बच्चे को आइडेंटिफाई करना कैसे हम सिखाएंगे। टाइम कॉन्सेप्ट जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे को समझाना, आपको कुछ चीजें उनको नहीं एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ये एक बार ही घूमता है तो आधा दिन होता है, ये दोबारा जब सारे आवर्स कंप्लीट होते हैं तो बाकी का आधा दिन होता है। इस तरह की एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में मत दीजिए। अभी बच्चा टाइम देखना या आइडेंटिफाई करना सीख रहा है तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड में रखिए। बस बच्चे को 1 to 12 आर आइडेंटिफाई करना हम पहले सिखाएंगे। इसके अलावा हमें मिनट्स और आवर्स को दोनों को एक साथ नहीं सिखाना है। बच्चे को पहले हम आर आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे कि 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock कब होता है, आर एंड कौन से नंबर पे होना चाहिए और जो मिनट हैंड कौन से नंबर पे होना चाहिए, वो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। जब बच्चे को आर आइडेंटिफाई करना आ जाएगा 4 o'clock, 5 o'clock, उसके बाद हम मिनट्स की ओर बढ़ेंगे। जनरली आप अगर यूकेजी में भी देखोगे ना या फर्स्ट क्लास में देखोगे तो पहले बच्चे को आर आइडेंटिफिकेशन ही होता है, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, इस तरह से मिनट्स पे उसके बाद उनको सिखाया जाता है सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड में। और कुछ पॉइंट्स जो बच्चे को हमें समझानी होगी कि जब 2 से 3 बजते हैं, 3 से 4 बजते हैं, जब 1 घंटा हो जाता है तो वो 1 घंटे में जो मिनट हैंड आप देख रहे हैं छोटा वाला हैंड, वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंचता है, इस तरह से वो मूव होता है। 2 o'clock के बाद वो 3 पे आता है, 3 को वो पॉइंट करेगा, फिर 4 को वो पॉइंट करेगा, तो इस तरह से इतना डिस्टेंस वो पार करता है। इसके अलावा जब मिनट लिखने की बारी होती है, सॉरी आर लिखने की बारी होती है 1 o'clock, 2 o'clock, तो किस तरह से लिखना है, तो आर डबल डॉट मिनट्स, सिंगल डॉट नहीं डबल डॉट डालकर हमें मिनट्स यहाँ पे लिखना है, 1 o'clock, 2 o'clock या 1:00, दैट इज 1 o'clock, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आप बता सकते हैं 3 o'clock, तो 3 o'clock पे जो आर हैंड है, जो छोटा वाला हैंड है, वो 3 पे पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये है 3 o'clock, और इसलिए हम 3 o'clock को इस तरह से लिखते हैं 3:00 या फिर 3 o'clock, इस तरह से। तो इस तरह से मिनट हैंड इज एट 12 एंड आर हैंड इज एट 3, तो दिस इज 3 o'clock, आर हैंड इज पॉइंटिंग एट 3 o'clock। सो इस तरह से ये पॉइंट्स आप उनको एक्सप्लेन करिए, उनको याद दिला दीजिए कि आर एंड और मिनट हैंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, साइज में जो डिफरेंस होता है वो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और जब वो 1 o'clock, 2 o'clock लिख रहे हैं तो मिनट हैंड 12 पे ही होता है, सिर्फ आर एंड चेंज होता है। और दूसरी बात, फॉर्मेट के कैसे हम टाइम लिखते हैं r:minute, तो डबल डॉट के साथ, तो ये आप उनको एक्सप्लेन करिए। सो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप उनको एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे जो क्लॉक वो देख रहे हैं, इसमें 7 o'clock टाइम है क्योंकि आर हैंड 7 पे पॉइंट कर रहा है और हमेशा की तरह मिनट हैंड 12 पे ही होता है, तो दिस इज 7 o'clock। इस तरह से जब 8 o'clock होगा तो वो ये जो शॉर्ट हैंड यहाँ पे देख रहे हैं वो मूव होगा 8 पर, देन जब वो 9 o'clock होगा टाइम तो वो 9 पे मूव करेगा, यहाँ पर वो देख सकते हैं। इसी तरह से 1 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है 5 पर और ये पॉइंट कर रहा है 1 पर, तो दिस इज 1 o'clock।
तो इस तरह से उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, हैंड्स को डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे पॉइंट करके, जो आर हैंड है उसको डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे पॉइंट करिए, और ये याद रखने के लिए कहिए कि जो मिनट हैंड है वो 12 पे ही होता है अभी के लिए। सो 8 o'clock, 9 o'clock, 1 o'clock, 4 o'clock, इस तरह से उनको एक्सप्लेन करिए। आप अगेन सिमिलर वॉचेस ड्रॉ करके, क्लॉक्स ड्रॉ करके उनको दे सकते हैं, और टाइम उनको ओरली बताने के लिए कहिए। जैसे कि यहाँ पे मिनट हैंड है 12 पे, और जो शॉर्ट हैंड वो देख रहे हैं आर हैंड वो है 6 पे, तो टाइम इज 6 o'clock हियर। इसी तरह से वो मिनट हैंड 12 पे है, और 9 पे जो है वो है आर हैंड, तो दिस इज 9 o'clock। और लिखने के लिए कहिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे को फॉर्मेट आना चाहिए। तो हमेशा पहले कैसे लिखते हैं, आर डबल डॉट मिनट, तो शॉर्ट हैंड जो आर हैंड होता है वो किस पे पॉइंट कर रहा है, 6 पर डबल डॉट, और ये 12 पे, हमेशा मिनट हैंड 12 पे ही होता है और हम 0 0 ही लिखते हैं, तो 6 o'clock इस तरह से। इसी तरह से 9 o'clock बच्चे को लिखने के लिए कहिए। देन यहाँ पे आर हैंड 2 पे है तो ये है 2 o'clock, और यहाँ पे 10 o'clock, सिमिलरली 4 o'clock एंड 11 o'clock। इस तरह से क्लॉक्स ड्रॉ करके दीजिए, और बच्चे को जो मिनट सॉरी आर हैंड है वो कौन से नंबर पे पॉइंट कर रहा है और टाइम कैसे लिखना है उनको एक्सप्लेन करिए और लिखने के लिए कहिए। कुछ वर्कशीट्स हम देखेंगे अभी। सो फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप इस तरह की वर्कशीट बना सकते हैं, ड्रॉ आर हैंड नंबर सॉरी आर आप दे दीजिए 3 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, और बच्चे को ना जो आर वाला हैंड होता है, शॉर्ट हैंड होता है, वो लिखने के लिए कहिए, ड्रॉ करने के लिए कहिए। तो क्योंकि ये आर है और ये मिनट है, मिनट वाला हैंड आपने ड्रॉ कर दिया है, उनको सिर्फ आर वाला हैंड ड्रॉ करना है जो कि साइज में भी छोटा होना चाहिए, और जो नंबर वो यहाँ पे देख रहे हैं उसको पॉइंट करनी चाहिए, तो 3 o'clock। सो यहाँ पे वो आएगा थोड़ा सा स्मॉल हैंड, शॉर्ट हैंड। इसी तरह से 7 o'clock, देन 9 9 o'clock, इस तरह से आप उनको प्रैक्टिस करवाइए ड्रॉ आर हैंड की वर्कशीट के थ्रू। ये थी पहली वर्कशीट जहां पे आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सिमिलरली जब बच्चा थोड़ा परफेक्ट हो जाए, उसको ये याद रह जाए कि लॉन्ग हैंड जो होता है वो 12 पे होता है, और जो शॉर्ट हैंड होता है वो टाइम के हिसाब से घूमता है, 1 o'clock, 2 o'clock के हिसाब से, तो आप ये वर्कशीट उनको देख सकते हैं जहां पे उनको दोनों हैंड्स ड्रॉ करनी है, मिनट हैंड और आर वाला हैंड। तो इस तरह की क्लॉक आप दीजिए, टाइम उनको लिख के दे दीजिए कि 4 o'clock, तो बच्चे को ड्रॉ करने के लिए कहिए यहां पर मिनट हैंड एंड शॉर्ट हैंड, तो ये शॉर्ट हैंड आर वाला हैंड, तो 4 o'clock। तो इस तरह से एक वर्कशीट आप, एक और तरीके की वर्कशीट आप उनको देख सकते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए। एक और सिंपल मैचिंग वाली एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि बच्चा क्लॉक देखेगा, टाइम समझेगा, देन जो दूसरी वाली क्लॉक है जिसमें सेम टाइम हो रहा है उसको वो मैच करेगा, मैच द क्लॉक विथ सेम टाइम। जैसे कि यहाँ पे 1 o'clock हो रहा है, तो कौन सी वाली वॉच में 1 o'clock यहाँ पे हो रहा है, इस पे, तो बच्चा इसको मैच करेगा। देन यहाँ पे हो रहा है 7 o'clock, तो 7 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे हो रहा है 4 o'clock एंड यहाँ पे हो रहा है 4 o'clock, देन दिस इज 9 o'clock। तो इस तरह से मैचिंग एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं। स्लोली जब डायग्राम्स देखकर बच्चा टाइम बोलने लगेगा, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, वो इस टॉपिक में थरो हो जाएगा। तो आप क्लॉक्स ड्रॉ करिए, क्योंकि ड्रॉइंग के बिना ये कॉन्सेप्ट कम्प्लीट नहीं होता। ड्रॉ करिए और बच्चे को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाइए। अगर आपको लगता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ गया है, तो आप क्लॉक के थ्रू भी उनका टेस्ट ले सकते हैं। आप कीज सेट करिए 1 o'clock, 2 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock पे, और बच्चे से टाइम पूछिए। स्लोली स्लोली बच्चा आइडेंटिफाई करने लगेगा, उसको समझ आएगा कि आर हैंड किसे कहते हैं या मिनट हैंड किसे कहते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाइए डिफरेंट वर्कशीट्स के साथ। जितना आप प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये था पार्ट 1, जिसमें हम सिर्फ आर आइडेंटिफाई करना बच्चे को सिखाएंगे। हमारी कंसंट्रेशन सिर्फ छोटे वाले शॉर्ट हैंड पे है। जनरली भी पहले आर से स्टार्ट करवाते हैं बच्चे को यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बाद में उनको मिनट्स एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे 60 मिनट्स होते हैं क्लॉक में, और कैसे ये मिनट वाला हैंड मूव होता है 12 से दोबारा 12 पे आता है।
तो ये मिनट्स हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो देखेंगे, पार्ट टू में, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप बच्चे को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कैसी वर्कशीट्स हम यूज कर सकते हैं। सो मॉमीज, ये था पार्ट वन। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.